फंक्शंस क्या है, फीचर्स क्या है, ये एक सिंपल सा बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीज है कि, और लगभग आपके सारे एक्सेल पार्ट में जितने भी एसएसडी आपके पास यूज हो रहे हैं सब में ये कार्ड का कंसेप्ट ऑलमोस्ट सेम है। हाँ, सबके जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो अलग हो सकते हैं, फंक्शन अलग हो सकते हैं, बट हमें जो अचीव कर रहा है आउटपुट में वो ऑलमोस्ट सबका सेम। ईच एंड एवरी मॉडेम कार्ड इसका जो यूज होती है, सेल की अगर बात करिए तो आपकी एंट्री इंड और एग्जिट इंड के लिए इसके अंदर एक कॉन्फ़िगरेशन होती है। दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन स्विच, जिसको मैंने बड़ा करके यहाँ पे लगा दिया है। दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन स्विच, एक SW2 है, एक SW3 है। SW1, SW2, SW3 कहता है, जनरली SW2 और SW3 स्विच है आपके पास। इसमें अगर एंट्री इंड बनाना है तो SW2 का 12 और SW3 का 1 ऑन रखिए, उसके कवर पे लिखा रहता है। कहने का मतलब ये है कि आपको बहुत अधिक ब्रेन लगाने की जरूरत नहीं है, सब चीज OEM आपको ऑलमोस्ट जो आपके लायक चीजें हैं, हमारे लायक चीजें हैं, वो आपको बना के देते हैं। हाँ, हमको लर्निंग की जरूरत है, हमको पढ़ने की जरूरत है, हमको सीखने की जरूरत है, किसी भी चीज को देख के समझने की जरूरत है और इम्प्लीमेंट करने के लायक अपने आप को इनहेंस करके रखें, अपग्रेड करके रखें, बस उसकी जरूरत है। बाकी बहुत सी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। तो आपका मॉडेम कार्ड के कवर पे ही वो डायग्राम बना के दे देता है वहां, कि अगर आप मॉडेम कार्ड चेंज कर रहे हैं, आपके यूनिट पे अगर एंट्री इंड लिखा हुआ है तो इसको एंट्री इंड बना दीजिए, अगर एग्जिट इंड लिखा है तो एग्जिट इंड बना दीजिए। अगर आपके मान लीजिए लिखा हुआ नहीं है तो कैसे पहचानेंगे कौन सा एंट्री इंड है, कौन सा एग्जिट इंड है? आपका जो लिंक है मॉडम से चार वायर की होती है। क्या क्या चार वायरिंग होती है? दो वायर होता है, दो 6 क्वार्ट केबल के वायर आएंगे। दिस इज फॉर कम्युनिकेशन टू अदर यूनिट मॉडम। इधर से निकला, लिंक हुआ, दूसरे स्टेशन की तरफ गया, उसके मॉडम से कम्युनिकेट करेगा। बाकी दो तार जो आते हैं, कम्युनिकेशन और रीसेट बॉक्स, ये दो आते हैं। तो आपका जो कम्युनिकेशन है मॉडम का, ये कम्युनिकेशन वायर है जो अदर यूनिट के लिए जा रहा है, अगर इसकी लिंक को आपने यहाँ पे ब्रेक